हेलो फ्रेंड्स, आई एम सनी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सनी ट्यूटोरियल। गाइस, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये मेरा चैनल सनी ट्यूटोरियल है और इसमें क्या है, देखिए मैंने दूसरा चैनल ऐड करा है, तो बहुत सारे यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही थी कैसे ये आपने सेट कर दिया है, तो मैं आज इस वीडियो में यही चीज़ बताऊँगा आपको। और ये एक चैनल का सेक्शन होता है, यहाँ पर भी वो बन के आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप मेरे ये दूसरा चैनल भी है सनी ट्यूटोरियल, सनी रियल ब्लॉग्स है, इसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको फॉलो कर लीजिएगा या मेरे चैनल पे जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि मैं इसी के नीचे एक और भी अपना चैनल है, उसको तीसरा जो चैनल मेरा स्टार्ट होने वाला है बायोग्राफी टाइम, तो उसको भी मुझे ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या है कि आप डेस्कटॉप मोड पर अपना जो भी चैनल है उसको, आपका चैनल मेन आईडी जो होगी आपकी चैनल की, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जानना है, जैसे मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूँ, जैसे डेस्कटॉप मोड पे ऐसे कुछ ओपन होकर आएगा और डेस्कटॉप मोड पे होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका चैनल पे ओपन करने तब आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस तरीके से इंटरफेस आता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉलर साइन के नीचे एक सिंबल आता है, यहाँ है चैनल कस्टमाइजेशन, ये एक ऑप्शन आता है चैनल कस्टमाइजेशन, ठीक है। चैनल कस्टमाइजेशन जब देखेंगे, कहने का मतलब ये होता है कि चैनल, मतलब उस चैनल के में क्या क्या चीज़ सबसे पहले आता है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या है, ये प्रीमियर प्रो वाली वीडियो लगाई है, तभी यहाँ पे मेरा ये वाली वीडियो स्टार्टिंग आती है फर्स्ट पेज पे, ठीक है। ये मतलब आप चैनल किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, ये ऑप्शन होता है चैनल कस्टमाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आप, यहाँ पे देखिए मेरा दूसरा चैनल भी दिख रहा है, यहाँ पे मैं एक और भी चैनल दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐड सेक्शन में जाना है। ऐड सेक्शन में जाने के लिए आप चाहे दूसरा या तीसरा कितने भी चैनल ऐड्स कर सकते हैं आप उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ऐड सेक्शन में जाना है। ऐड सेक्शन में जाएंगे और लास्ट ऑप्शन आ रहा है फीचर्स चैनल, आपको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऐड सेक्शन आता है, पहले मैं ऐड सेक्शन में दिखा देता हूँ अच्छे से आपको। ऐड सेक्शन में जब जाएंगे आप, ऐड सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पे ऐड सेक्शन दिख रहा है, इसी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है, मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको, फीचर्स चैनल, ठीक, इस पर आपको क्लिक करना है। फीचर्स चैनल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक अपना टाइटल देना पड़ता है, जैसे मैंने वहाँ पर लिखा माई सेकंड चैनल, तो ये अभी यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूँ, माई थर्ड चैनल। ठीक है, जैसे यहाँ पे करते हैं, फिर उसके बाद देखिए नीचे एक सर्च करने वाला एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सर्च करने वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है जो भी आपका चैनल का नाम है, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, जो भी चैनल को ऐड करना है। जैसे मैंने आपको बताया मेरे चैनल का नाम है बायोग्राफी टाइम, ये एक बहुत अच्छा चैनल स्टार्ट होने वाला है, ये हाई ग्राफिक वाला वीडियो की रहेगा इसमें, और इसमें ग्राफिक्स भी रहेगी और सभी की बायोग्राफी के बारे में होगा, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर देंगे, एक चेकबॉक्स बना रहेगा उसको कर देंगे, और नीचे क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आएगा डन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जब आप इसको चेक कर देंगे, चेक करने के बाद यहाँ पे क्या है, डन का ऑप्शन आ जा रहा है, ठीक है। आप जो भी, आपको जितने भी चैनल्स आपको करना है, या मेरा तो यही है, इस आप जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे आपका आ जाएगा चैनल का नाम, ठीक है, उसको कर देंगे डन। अभी क्या है ना, ये चीज़ मेरा आ गया है, कुछ और ऐड हो गया था, तो ठीक है। तो ये दोनों मेरे चैनल आ गए, ठीक है। और इसको क्या है, ऊपर जाके यहाँ पे पब्लिश कर दीजिएगा, दूसरा भी हो गया और तीसरा भी हो गया मेरा चैनल। तो अभी क्या है, यहाँ पे जैसे ही इसको अपडेट करते हैं, थोड़ा सा समय लेता है यूट्यूब में, कभी कभार अपडेट होने में टाइम लगता है, लेकिन कभी कभार जल्दी भी हो जाता है। तो अभी आप देखेंगे मेरे फर्स्ट जो पेज आता है उसमें देखिए ऐड हो गया, ठीक है, दूसरा और तीसरा, और यहाँ पे देखिए माई थर्ड चैनल, ठीक है। ये मैंने वहाँ पे लेबल यूज़ करा था, तो यहाँ पर भी वो चीज़ बन के आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लगता है, आप थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करेंगे बाद में, ये मतलब इसको बाद में आप रिफ्रेश करके देखेंगे, ये हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन ये हो जाता है, इसमें कोई वो कुछ अपडेट में इशूज़ होते हैं कभी कभी, लेकिन मैं अपडेट करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़े सेकंड के बाद ये हो जाता है, फर्स्ट पेज में तुरंत आ जाता है सनी ट्यूटोरियल। जैसे इसको करते हैं
देखिए फर्स्ट पेज पे तो आपका तुरंत आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए शायद आ भी गया होगा, देखिए आ गया। हाँ, जस्ट आप थोड़ा सा इसको अपडेट करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जब तक वीडियो नहीं आती है तब तक के लिए बाय।